नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी वीके सक्सेना के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से एलजी वीके सक्सेना ने एक चिट्ठी अरविंद केजरीवाल को लिखी, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल विधानसभा में दरअसल एलजी पर जमकर बरसे हैं। मुद्दा दिल्ली में डीटीसी बस मार्शल से जुड़ा हुआ है, जहां कई महीने से केजरीवाल सरकार के खिलाफ डीटीसी बस मार्शल जो हैं, वो सड़कों पर धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर उल्टा एलजी पर ही सवाल उठा दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी को भी घेरा है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में यह कहा कि जिन मार्शलों को बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, वो आज बीजेपी की गंदी राजनीति के चलते सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को दिक्कत जो आ रही है, उसको लेकर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने एलजी पर ही तमाम आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती की गई थी, तो जो भर्ती 2015 में शुरू हुई थी, 2015 से ये वॉलंटियर्स लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन 2023 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि तमाम जो विभाग के अलग अलग अधिकारी थे, उन्होंने साफ तौर पर फाइलों पर उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि डिफेंस वॉलंटियर्स की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि एलजी के इशारे पर ही अधिकारी ये कर रहे थे, क्योंकि अधिकारियों को एलजी ने डराने और धमकाने का काम किया और राजनीतिक वजहों से उन्हें नौकरी से निकाला गया, उनका वेतन उन्हें नहीं मिला। ये तमाम आरोप एलजी वीके सक्सेना पर केजरीवाल ने लगाए हैं और क्या कुछ कहा है, किस तरीके से दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल एलजी पर बरसे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर सवाल उनकी सरकार पर उठ रहे हैं। लगातार जो वॉलंटियर्स धरने पर बैठे हुए हैं, जिनसे हमने भी जाकर कई बार पूछताछ की है, ये जानने की कोशिश की है कि आखिर उनकी परेशानी क्या है। उनकी परेशानी यही है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। उनकी परेशानी यह है कि उनकी नौकरी को पक्का नहीं किया जा रहा है, जो वादा अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया। लेकिन आज अब इन वॉलंटियर्स की जो परेशानी है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल जो सत्ता में भी नहीं है, यानी बीजेपी, और साथ ही एलजी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनिए। और अचानक इस स्कीम को 1 नवंबर से बंद कर दिया गया। इसके पीछे का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि स्कीम 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 साल ये स्कीम चली। इसमें 3 विभाग शामिल हैं। एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखता है कि भाई हमें इतने बस मार्शल चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके आधार पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती निकालता है और उनको रिक्रूटमेंट करता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो उसकी पेमेंट करता है। तो 3 डिपार्टमेंट हैं। 2015 से 2022 तक ये तीनों डिपार्टमेंट शांतिपूर्वक हर साल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लिखता था हमें इतने बस मार्शल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उतने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती करता था, कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट उनकी पेमेंट करता था, कोई दिक्कत नहीं। 2023 के शुरू से अचानक तीनों डिपार्टमेंट्स ने अपना रुख, अफसर वही थे, अफसर नहीं बदले, कई कई वहां जो अफसर हैं वो तो 3-3, 4-4 साल से मौजूद थे। अचानक उन्हीं अफसरों ने अपना लिखना बदलना चालू कर दिया, फाइल पे लिखना चालू कर दिया सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का ये काम नहीं है। 7-8 साल तक था काम, अचानक उन तीनों ने, इन्होंने रेवेन्यू वालों ने भी, फाइनेंस वालों ने भी, और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तो अगस्त तक लिखता रहा कि भाई मेरे को बस मार्शल दो, मेरे को बस मार्शल दो, इनकी पेमेंट करो, पुरानी पेमेंट करो, कई दिनों से तनख्वाह नहीं दे रखे। अगस्त में अचानक उस कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने, जो कि 3-4 साल से था ये कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, आशीष कुंद्रा 3-4 साल से कमिश्नर था, हर साल वो रिक्विजिशन करता आ रहा है। अचानक अगस्त 2023 में क्या हो गया? एलजी साहब ने उनको, हमने पूछा अफसरों से क्या हो गया, एलजी साहब ने उनको बुलाया और उनको धमकाया कि अगर तुमने ये स्कीम बंद नहीं की तो
तुमको सस्पेंड कर दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा, ईडी छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे, सीबीआई छोड़ दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा। ये इसके पीछे की कहानी है। अफसर रो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अफसर 4 साल से रिक्विजिशन कर रहा था, अचानक उसका एक दिन सपना आया और उसे सपने में सिविल डिफेंस वॉलंटियर एक्ट दिखाई दिया और एक्ट में वो धारा दिखाई दी कि ये काम नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी है, बेवकूफ बना रहे हो हमको, पूरी दुनिया बेवकूफ है, सारे देश के लोग बेवकूफ है, तुम ही से आने हो। उनको बुला बुला के धमकाया गया, ये स्कीम बंद करवाई गई। क्यों? क्योंकि ये स्कीम महिलाओं के अंदर बहुत पॉपुलर थी। दिल्ली के बस में ट्रेवल करने वाले लोगों को ये, जैसे अभी कैलाश गहलोत ने इन्होंने बताया कि उनको ये लगता था कि हमारा अपना आदमी वर्दी में बैठा है, ये हमारी सुरक्षा करेगा, और इस तरह से ये स्कीम बंद करवाई गई। अध्यक्ष महोदय, मेरे को जब पता चला, और अगस्त और सितंबर में मैंने कागज देखे हैं, मंत्री जी ने, रेवेन्यू मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने अधिकारियों के साथ मीटिंग्स ली, मिनट्स ऑफ मीटिंग में कहा गया कि यह स्कीम बंद नहीं होनी चाहिए, लिखित में आदेश दिए गए कि स्कीम बंद। लेकिन एलजी तो सारे डरते हैं, एलजी तो किसी को भी जेल भेज सकता है, एलजी तो किसी को भी सस्पेंड कर सकता है, बड़ा पावरफुल आदमी है, किसी को भी कुछ भी कर दे, तो एलजी से सारे डरते हैं। जब मेरे को पता चला, मैं एलजी साहब से मिलने गया, मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है, मैं सुन रहा हूं कि आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को इनको हटाने की वो कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अरविंद जी देखो, अब बसों के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और ये पैनिक बटन भी है, क्या जरूरत है बस मार्शल्स की, हम 280 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा सर मेरे लोग हैं दिल्ली के 2 करोड़ लोग, मैं 280 तो क्या 2080 भी करूंगा खर्च, मेरी मर्जी। मेरे को लोगों ने चुनके भेजा है, आपको तो चुनके नहीं भेजा, मेरे को लोगों ने चुनके भेजा है, मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए 280 क्या 2800 करोड़ रुपए खर्च करूंगा, आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले, आप तो नहीं रोक सकते। और मैंने कहा अगर सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन से ही हो जाता तो मैंने कहा सारे राजनिवास के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं, पैनिक बटन और दीवारों पे लगा देते हैं, आपकी सुरक्षा हटा देते हैं, क्या जरूरत है आपकी सुरक्षा की, पूरी दिल्ली के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे लगाई दिए, पैनिक बटन और लगा देते हैं हर खंबे के ऊपर, दिल्ली पुलिस भंग कर देते हैं, क्या जरूरत है। अरे लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है किसी भी समाज के अंदर सुरक्षा की। एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी बसों के अंदर है सीसीटीवी कैमरे की, एक लेयर ऑफ है पैनिक बटन की, एक है बस मार्शल की। कोई किसी के सामने पैनिक बटन आया और उसको ध्यान आ गया, वो पैनिक बटन दबा देगा, बाद में अगर अपराध को जांच करने के लिए सीसीटीवी कैमरे की जरूरत पड़ी सीसीटीवी कैमरा। बस मार्शल किसी के सामने बैठा और कोई लड़की को छेड़ रहा है, वो बस मार्शल को कही भैया इसको जरा सा रोको। हम लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, तो उसको रोका कैसे जा सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं रुकने दूंगा, और फिर उन्होंने फाइल के ऊपर आदेश कर दिया कि इनको हटा दिया जाए। जिस दिन ये अखबार के अंदर छपा था, मैंने, मेरे को याद है जिस दिन उन्होंने आदेश किया था, 2 दिन पहले अखबार के अंदर छप गया था कि एलजी साहब रोकने वाले। मैंने फोन किया एलजी को, सवेरे उठ के 8 बजे मैंने फोन किया, सर ये अखबारों में मैं क्या पढ़ रहा हूं, आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि आप इनको नहीं हटाओगे, आप क्यों हटा रहे हो इनको। मैंने उसी दिन चिट्ठी लिखी, मैं कहीं और गया हुआ था उस दिन, मैंने वहां से चिट्ठी लिखी एलजी साहब को कि, और वो चिट्ठी एक चिट्ठी लिखी और 2 बार नोट भेजा है मैंने, एक मंत्री के थ्रू नोट भेजा है कि मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नहीं हटाया जाना चाहिए, मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कंटिन्यू रखिए। और जब तक वो कह रहे थे कि नहीं हम होमगार्ड करेंगे, मैंने कहा ठीक है जब तक होमगार्ड नहीं आते तब तक इनको रख लो, और होमगार्ड इन्हीं को नियुक्त कर दो, होमगार्ड आपको कानूनी पेच तो फंसाने हैं, जो आज सिविल डिफेंस वॉलंटियर काम कर रहे हैं इन्होंने, इनको एक्सपीरियंस है, इनको अनुभव है, कई दिन से काम कर रहे हैं। मैंने कहा इन्हीं को होमगार्ड बना देना, मेरे फाइल के ऊपर नोटिंग है मेरी, आप जो नोटिंग की बात है, जो अभी लगे हुए हैं होमगार्ड की कंडीशन ऐसी, होमगार्ड की कंडीशन, और अब खुद हटा के बीजेपी वाले उनके धरने में जाके टेस्ट हुए, अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोग, थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर। तुम लोग इस तरह की गंदी राजनीति करते हो, खुद ही हटवाते हो और खुद ही उनके उसमें धरने में जाके तुम रोना रोते हो। अभी आपने कहा इनको नियमित किया जाना चाहिए, करने को तैयार हूं मैं, चलो मैं और तुम चलते अभी एलजी साहब के पास। अभी आपने कहा चलो मेरे साथ, अगर माइक के लाल हो तो चलो मेरे साथ अभी एलजी साहब के पास चलो, मैं करने को तैयार हूं, मैं जहां साइन करोगे खाली कागज पे दस्तखत करने को तैयार हूं, एलजी से करा के लाओ। तुम्हारा एलजी है, झूठ बोलते हो। जिस फाइल पे दस्तखत करने इनकी बहाली के लिए मैं अभी तैयार हूं, फाइल पे साइन करने के लिए। तो
अरविंद केजरीवाल आज ये कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, बस मार्शलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हैं, महिला सुरक्षा के लिए हमने कई काम किए हैं। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में गिनाई हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार के किसी नुमाइंदे ने इन मार्शल से जाकर पूछताछ की है, इन मार्शल की जो कहीं ना कहीं दास्ता है वो सुनी है? क्योंकि हमने जब इनसे सवाल किया था तो ये पूछा था कि अगर एलजी की गलती है, अगर एलजी ने अधिकारियों को डराया और धमकाया है, तो क्या आप इन मार्शल के बीच पहुंचे हैं? तो मार्शल से मिलने के लिए कोई भी सरकार का नुमाइंदा वहां पर नहीं गया, ये खुद मार्शलों ने हमें जानकारी दी थी। और आज अरविंद केजरीवाल इस तरीके का ज्ञान विधानसभा में दे रहे हैं, जहां पर वो खुलेआम जाहिर तौर पर एलजी के खिलाफ अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस दौरान अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि एलजी ने उन्हें जो चिट्ठी लिखी है उसमें जो भाषा है वो बहुत गंदी है। लेकिन सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं के लिए या एलजी के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? आज वो उपराज्यपाल पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, ये भी सवाल कई लोग उठा रहे हैं। लेकिन सिर्फ इस मार्शल के मुद्दे को लेकर ही नहीं, बल्कि इसके अलावा फरिश्ते स्कीम को लेकर भी उन्होंने एलजी पर तमाम गंभीर आरोप लगाए और ये कहा कि एलजी ने फरिश्ते स्कीम को भी रोकने की कोशिश की है, जिसमें उनके रोकने से कई जाने गई हैं, ये भी आरोप उन्होंने एलजी पर लगाया। और साफ तौर पर यह कहा कि दाल में कुछ काला है, देश पागल नहीं है और तुम अकेले सियाने नहीं हो, इस तरीके की बातें एलजी के लिए कही गई हैं। और कहा यह गया है कि फरिश्ते स्कीम दरअसल जिसने 23,000 एक्सीडेंट विक्टिम्स की जान बचाई है वो स्कीम एलजी ने बंद कर दी। अफसर कहते हैं कि एलजी ने बोला है स्कीम रोकने को, एलजी साहब कहते हैं कि मैंने नहीं कहा है। तो इस तरीके के आरोप भी अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर लगाए हैं। लेकिन कुल मिलाकर सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप वहां की सत्ता पर काबिज हैं, आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन क्या आप इस तरीके से सारा आरोप एलजी पर मढ़कर इस बात से बच सकते हैं कि वहां पर बस मार्शल जो हैं वो लगभग पिछले साल यानी 2023 के अक्टूबर महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, उनकी नौकरी पक्की नहीं है, तो इसको लेकर क्या अपनी जवाबदेही तय करेंगे केजरीवाल? जिस तरीके से एलजी पर यह आरोप मढ़कर कि अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, अधिकारियों को बुलाकर एलजी ये कह रहे हैं कि अगर आपने फाइलें नहीं रोकी तो आपको जेल में डाल देंगे, सीबीआई और ईडी आपके पीछे छोड़ देंगे, इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल विधानसभा में कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि सीबीआई और ईडी शराब घोटाले से लेकर तमाम बड़े घोटाले हैं जिसमें जांच कर रही है, और ये तमाम घोटाले अब अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार के लिए गले की फांस बन रहे हैं, एक एक करके उनके नेता आरोपों में फंसते जा रहे हैं। यही वजह है कि कुछ तरह की बौखलाहट जो है दिल्ली विधानसभा में वो अरविंद केजरीवाल की ओर से देखने को मिली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।